त्यांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्र नेहमीच आपल्या अतिथींचं जास्त स्वागत करण्यामध्ये नेहमी कधीही मागे राहिलेला नाही. आम्ही त्यांना जय महाराष्ट्र सांगू शकतो. हो जरूर. ओके, आज आपने शिवसेना ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहूंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले तो जिस तरह से पिछले 10 महीनों में, 11 महीनों में, अभी पूरा एक बरस हो गया है, बहुत ही कठिन समय में महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन समय रहा. क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि मुंबई महाराष्ट्र में है, जो देश का एक आर्थिक, जिसको कहते हैं कैपिटल है, और ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं. बहुत मुश्किल था कोविड जैसी समस्या से जूझना, और ऐसे समय में कोविड जैसी समस्या से ही नहीं, बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है. कुछ ज़्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ यह वर्ष महाराष्ट्र के लिए रहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी रहा. एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है. और उद्धव जी होती है वहाँ पे, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं. जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करते हैं, उस तरह लोगों को समझाते भी हैं. तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है, वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ. और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा. पार्टी की तरफ से किसने आपको अप्रोच किया? क्या रश्मि ठाकुर जी का कोई भूमिका आपको साथ में रखने में, सुबंधन बांधने में कुछ बातचीत हुई हो कुछ आपको? रश्मि जी हैं, और फिर बहुत सारे लोग उनके साथ हैं. लेकिन मैं, मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया, और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही. जब उन्होंने, जब MLC की बात हुई, उन्होंने मुझे कहा, पहले मैं मराठी में कहना चाहूँगी कि आपली जी विधान परिषद आहे महाराष्ट्राची, महाराष्ट्राची परंपरा इतकी मोठी आहे की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्जा वाढावा अशी माझी मनोमन इच्छा आहे. कारण का, ही जी परिषद, ह्या ज्या जागा आहेत, ही जी भवनं आहेत, त्याच्यात जायला लोकांना खूप मोठा प्रवास करावा लागतो. तर त्याचे तिथले जे बोलणं जात होतं, त्याचा कुठेतरी दर्जा खूप मोठा वाढला पाहिजे, आणि त्याच्याकरता तुमच्यासारख्या लोकांची गरज आहे. तर ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढिया लगी की उन्होंने कहा की विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत ज़रूरी है. और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ. नहीं नहीं, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे नहीं मैंने कहा था. मैंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब मैंने कैंपेन किया था, तो जिस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो उस तरह से हुई नहीं है. इस तरह से आज भी मुझे कांग्रेस की तरफ कोई भी अलगाव या कोई भी मुश्किल या कोई भी ये नहीं है. और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराइयाँ करते हैं, और बल्कि ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं पार्टी में रहकर. विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, तो भले ही मेरे ऊपर बहुत उस वक्त लांछन लगे, लेकिन मैंने पार्टी के ऊपर कभी, मैंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलना चाहती थी, ना फैलाना चाहती हूँ. आज भी मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में रिस्पेक्ट है. और महाराष्ट्र प्रदेश में कहूँ तो बाला साहेब थोरात जी जैसे बहुत ही एबल, हमको वहाँ पे, उनको वहाँ पे, जो महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी और हिंदी में कसरत थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत बेहतरीन लीडर है अपने आप में. सो अभी मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि एक बरस से ज़्यादा वक्त जब इंसान उस पर गुजरता है, तो मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में कोई वजह रही होंगी.